हैदराबाद में डीएसपी साबिर हुसैन गद्दी 7 जून 2021 को रिटायर हो जाएंगे। जलाली फाउंडेशन पाकिस्तान के सरपरस्त्याला शकील बेग, चेयरमैन अहमद रजा जलाली, वाइस चेयरमैन अजीम कुरैची, जनरल सेक्रेटरी सलाहुद्दीन गौरी, सिंध प्रेसिडेंट मोहसिन अली शेख, डॉक्टर ताहिर राजपूत, ताहिर अराई, नूर मोहम्मद अब्बासी, दीगर मेम्बरान पर मुश्तमिल वक्त ने डीएसपी साबिर हुसैन गद्दी से उनके ऑफिस में मुलाकात की। उनकी मुद्दत मुलाजमत बखैर खूबी मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी और आइंदा जिंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर वफ्द ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता, सिंधी अजरक और केक पेश किया। डीएसपी साबिर हुसैन ने कहा कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और अहमद रजा जलाली और तमाम दोस्त अहबाब की मोहब्बतों और तआवुन का शुक्रिया। डीएसपी साबिर हुसैन गद्दी ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि 7 जून को वो रिटायर हो जाएंगे। दौरान सर्विस हमेशा अपने अफसरान और मातहत अमले और बिलखसूस हैदराबाद के शहरियों का मजहबी, समाजी, तजारती, सकाफती हलकों और तमाम शोबा जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का भरपूर तआवुन हासिल रहा। उन्होंने मजीद कहा कि वह पुलिस डिपार्टमेंट से खुशगवार यादें लेकर जा रहे हैं और आइंदा भी अपने शहर, अपने सूबे और अपने मुल्क के लिए ज़ाती हैसियत में खिदमात सर अंजाम देते रहेंगे। मोहम्मद आशिफ, ब्यूरो चीफ, ग्रेट न्यूज़, हैदराबाद।